नमस्कार, मैं सुमन घोष और आप देख रहे हैं न्यूज साइट। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पीवीआर रिवोली में, जहाँ आज मूवी आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो चलिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। कि मैं भगवान को सब कुछ बताऊंगा और इस फिल्म का जो उद्देश्य है कि जहां भी युद्ध है, जहां भी लड़ाई है, उसके सबसे बड़ा नुकसान समाज के या देश के, जिसको हम कहते हैं हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये फिल्म उससे भी परे जाती है और मैंने जो महसूस किया, ये फिल्म ये कहती है कि युद्ध का दूसरा नाम विनाश है, युद्ध का दूसरा नाम परिवारों को बर्बाद करना है, युद्ध का दूसरा नाम हर एक प्रकार से, जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा तांडव नृत्य है। आज से सारी दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। लड़ाई छोटी हो बड़ी हो, हिंसा हमेशा नुकसान करती है। लेकिन दुनिया में दुर्भाग्य की बात यह है कि तथाकथित, जिसको हम लोग रिलीजन कहते हैं, मैं उसको धर्म नहीं कहता, उस संप्रदाय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं, धर्म वो होता है जिसे समाज का संबल होता है, जिसे समाज को जो खड़ा होता है, जोड़ता है। रिलीजन के नाम पर, जातियों के नाम पर जो समाज को बांटा जाता है, उसी के नाम पे इस प्रकार की आइडियोलॉजी जो आगे चल रही है वो समाज को बांटती है। कुछ लोगों का अपने इंटरेस्ट हो सकता है, जिनको अपने हथियार बेचने हो उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन समाज को, दुनिया को आज ये जानने की जरूरत है कि हिंसा एकदम खतरनाक है। अगर आज हिंसा जो है सीरिया के अंदर दिखाई गई, यूक्रेन रशिया के अंदर है, अगर यह आइडियोलॉजी विचारधारा चलती थी, कल को अपने देश में भी आ सकती है। ऐसे सारी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हमारे जी देश की जो संस्कृति है, जो भारत की जो संस्कृति है, जो शांति की जो संस्कृति है, सबका भला करने की जो संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम की जो संस्कृति है, और मैंने जिस बात को कहा था कि सारे तथाकथित धर्मों के मूल में जो बात है, जो सब में कॉमन है, सब में सामान्य है, उस वही धर्म है। जैसा हम अपने साथ चाहते हैं ऐसा हम दूसरों के साथ करें तो निश्चित रूप से संसार के अंदर जो है शांति आएगी। और इस विषय में ये फिल्म जो है बखूबी जो है इस वक्त सफल हुई है, इसलिए मैं इस फिल्म के बनाने वाले श्री जय पटेल जी, उनके डायरेक्टर श्री अभिषेक जी, उनके सभी लोग, ये बॉलीवुड के अंदर ये फिल्म बनी, हॉलीवुड के अंदर ये फिल्म बनी है, जिन लोगों ने इसमें काम किया है सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और इतनी बड़ी मीडिया, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और आपके माध्यम से ये न केवल भारत में लेकिन सारी दुनिया में संदेश जाएगा कि युद्ध वास्तव में विध्वंसकारी है, युद्ध का दूसरा नाम विनाश है। अभिषेक जी, व्हाई ए लेटर टू गॉड, पता है कि सबको की विनाश होता है, लेकिन बाद में विनाश होने के बाद में भगवान को यह याद किया जाता है, क्यों? हम बताएंगे नहीं तो जवाब तो मैं सब बातों का दे दूंगा। आपने क्योंकि फिल्म आपने बनाई नहीं तो मैं तो दे दूंगा। क्योंकि इस फिल्म का किरदार है वो बच्चा है और हमने स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो बच्चे को उतना पता है कि उसकी माँ ने बोला है कि आप चींटी को मारोगे तो भगवान आपको पनिश करेगा, तो बच्चा सोचता है कि ये लोग इतने लोगों को मारता है तो उसको पनिश क्यों नहीं करता, उसको सजा क्यों नहीं देता, इसलिए मैं गॉड पर जाकर पूछूंगा और सब बताऊंगा कि आप इनको क्या सजा दोगे। मैं थोड़ी बात एक जोड़ना चाहता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एक बच्चा आदमी का बाप कैसे हो सकता है? आज भी सब बच्चा जो है एकदम निर्दोष होता है, इनोसेंट होता है, उसको जो है वो लबादे जो पहनाए जाते हैं
जिस परिवार में पैदा होता है उसी के हिसाब से रिलीजन के लबादे उसको पहनाए जाते हैं, लेकिन बच्चा जब नंगा होता है तो सच्चा होता है, उसमें और किसी प्रकार का वो नहीं होता, क्योंकि बच्चा जो है जैसे अपनी माँ की गोद में उसको जाकर के सबसे ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, और बच्चा ये सोचता है वो कितना बच्चा, इसलिए भगवान मैं कह सकता हूँ कि बच्चा भगवान के भी सबसे ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए इस फिल्म में उन्होंने सोचा है कि बच्चा जो भगवान को जाकर बताएगा, भगवान को बताने की जरूरत नहीं, भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन एक प्रकार से संदेश देने की बात है, क्योंकि बच्चा जो है वो भगवान के सबसे नजदीक है, अपनी माँ के सबसे नजदीक है, प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा नजदीक है, और सुख और शांति के, बच्चा किसी भी परिवार का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, वो सब जो है शांति चाहते हैं, सब वो प्रेम, और उनकी भाषा ही प्रेम है, उनकी भाषा ही लव है, इसलिए ऐसा बताया गया कि बच्चा भगवान को बताए। Shown in the end of the movie, and then he is feeling repentance. So how do you feel about that? कि आपने लोगों के समाज में ऐसा कुछ परिवर्तन आएगा इस movie से? देखिए जो भी film देखेगा, निश्चित रूप से परिवर्तन तो आएगा। मुझे लगता है कि जो लोग टेररिस्ट जो इस प्रकार का काम करते हैं वो भी सोचने के लिए कई बार मजबूर होते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, कहीं ना कहीं जो अंदर की आत्मा तो कचोटती है कि गलत गलत हो गया है, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट आएगा। जैसा आपने ख्याल कैसे आया कि इस तरह का मूवी बनना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। मूवी बनाने के लिए सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू संजय दत्त, ही सपोर्टेड रियली वेल, कैथरीन किंग जो मेरी राइटर है बॉलीवुड में है, हॉलीवुड के सभी एक्टर्स एंड डीओपी हरी, अभिषेक भाई, एवरीवन, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस ऐसे ही कोई मैं फिल्म प्रोड्यूसर था नहीं, मेरा फिल्मों से कोई नाता नहीं है, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस एंड आफ्टर व्हाट आई फेल्ट इन लाइब्रेरी, आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग, आई कैन जस्ट सिट होम, आई गॉट डू समथिंग अबाउट इट, एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू टेल द वर्ल्ड इज द मीडिया, आई मीन द मूवी, एंड दैट्स द रीजन आई डिडंट मेक इट दिस कमर्शियल, बिकॉज मुझे पूरी दुनिया को ये फ्री में दिखाना है, बहुत सारी कंट्रीज है वो OTT अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए YouTube पे एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है या कोई पैसा देना नहीं है, दिस इज़, और गांधी जी के बर्थडे के सिवा बड़ा अच्छा पीस वाला दिन कोई हो नहीं सकता, इसलिए हमने 2 अक्टूबर को चूजा है। कितने दिन इस मूवी को बनाने में लगे हैं? ओह मैन, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ये स्टार्टेड फ्रॉम बिफोर कोरोना, उससे पहले चालू किया था, एंड पीपल डिड हार्ड वर्क। वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज, जितने भी हॉलीवुड के एक्टर्स थे, सो ओरिजिनली देयर सम ऑफ देम फ्रॉम सीरिया, सम ऑफ देम फ्रॉम जस्ट अरेबिक वर्ल्ड, जब उन्होंने काम चालू किया ऑन सेट, उसमें से 90% लोगों ने पैसा नहीं लिया। पीपल से यू ओरिजिनल फ्रॉम इंडिया, ग्रो अप इन यूनाइटेड स्टेट, एंड यू मेकिंग मूवी इन आवर सब्जेक्ट, हमारे कंट्री के बारे में बना रहे हो, वी कैन नॉट टेक मनी, यू नो, सो पीपल हैव स्टिल दैट थिंग गोइंग ऑन, 99.99% पीपल जस्ट वांट टू हैव फन, हैव ग्रेट लाइफ, यू नो, हैंग इट आउट, जस्ट चिल, बट मे बी 0.1% पीपल जस्ट वांट टू वॉर बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग गोइंग ऑन। So that's the reason we thought like let's just do it something which is अगर हम है या नहीं है पर ये मैसेज घूमता रहे, आगे चला जाता है। सर फिल्म को बनाने में कितना बजट आपका लगा? जैसे एक्टर साहब बता रहे कि 4 मिलियन किया, तो फिर भी कुछ खर्चे तो वो क्या करता हूँ प्रोड्यूस करने? नहीं, ये हमने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई है, इसलिए जितना भी खर्चा हुआ है वो हमने वैसे ही कर दिया है, लेकिन हमने हिसाब नहीं रखा है। बाकी किया है कि हमने शुरू से जय भाई का ये कहना था कि ये फिल्म हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हमें OTT से, बाकी OTT से ऑफर आई कि आप ये पिक्चर हमें बेच दो और हमें अच्छे पैसे मिल सकते थे, लेकिन जय भाई ने बोला कि जिनके पास जो उसको सब्सक्राइब करते हैं OTT को, वही लोग ये पिक्चर देख पाएंगे, बाकी को देखनी है तो उधर जाके पैसा भर के देखनी पड़ेगी, इसलिए हम यूट्यूब पे इसको रिलीज कर देते हैं ताकि जिसको देखनी है वो फ्री में देख सके और जितनी बार देखनी है उतनी बार देख सके। अगर उसमें से कुछ मैसेज लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर है, और बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा है और सर भी हमेशा हमें गाइड करते हैं कि अगर आपकी फिल्म देख के एक आदमी का भी मन बदल गया तो आप सक्सेस हो। अभिषेक जी, अगर इसको और किसी यूट्यूब पे डाली जाए क्या आप उसे कॉपीराइट तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, वो कोई भी डाल सकता है, उसमें कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं है, आपको चाहिए तो हम लिंक भी भेज देंगे। अभिषेक जी, सर आप मैसेज क्या है? क्या मैसेज ये है कि अगर आप अंत तक का समर्थन करोगे तो उसके बच्चे भी एक दिन इसकी चपेट में आ ही जाएंगे। सर मेरा एक सवाल है जी,
ये ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म इंडियन फिल्म प्रेग 2019 एंड नॉर्वे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसके ऊपर से। ये फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे हमने भेजी थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने काफी पिक्चर को सराहा है। और जय भाई इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताएंगे। सो वी सबमिटेड दिस फिल्म मोर देन 115 फेस्टिवल्स, नंबर वन। नंबर टू, हमने मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, नाउ आई एम गोइंग टू डू इन यूनाइटेड नेशन, जेनेवा, शिकागो, एलए, एंड मेजॉरिटी माय थिंग इज आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ कॉन्सुलेट जनरल्स यूनाइटेड नेशन, एंड माइट आई एम गोइंग टू गेट चांस फॉर द व्हाइट हाउस। सो आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इट एंड यू नेवर नो, यू नो प्रोबब्ली यू नो डिसेंबर और आफ्टर क्रिसमस और मे बी थैंक्सगिविंग आई माइट गोना शो दिस पीपल। सो दैट्स जस्ट वेरी सिंपल, there's no commercial fund, there is nothing going on, just simple, just with the flow, that's it. Thank you very much. One more question, sir. No, you can. Sir, कुछ शॉट हमने वहाँ लिया है, बाकी सब हॉलीवुड में किया हुआ है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे वॉर जोन है, जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जाके जितना कर सकते थे उतना किया है, बाकी हमने यहाँ पे। क्या सर ये फिल्म हिंदी में भी डब हो सकती है? सर हाँ जी, डब करके हम रिलीज कर रहे हैं इसको। तो यूट्यूब पे हमारी एक हमने चैनल खोली है और YouTube पे ऑप्शन होता है आपको बिना एड के दिखाना है कि एड के साथ दिखाना है। हमने ऑप्शन चूज किया है कि बिना एड के दिखाना है ताकि हम कोई रेवेन्यू नहीं चाहते। अभिषेक जी, तो दो लैंग्वेज में, एक दो लैंग्वेज में होगी, एक हिंदी और एक जो आपने देखी वो। अभिषेक जी, पूरे देश में कितना संदेश जाएगा इस मूवी को देख के, कितना बदलाव आने की उम्मीद है? हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि लोग इसे सीखे और समझे और हिंसा छोड़ दें। बाकी मतलब ऑडियंस के ऊपर है या जो देखने वाला है उसके ऊपर है कि वो कितना इसे सीख लेता है। लेकिन जैसे सर हमेशा बताते हैं कि आप अपनी बात बोलो और करोड़ों में से अगर एक आदमी का भी मन बदल गया तो आप सक्सेसफुल है। Oh man, that's a very good question. That's a lot, lots of challenges. So what we did is we did the outsource a lot of stuff because I've been calling Abhishek Bhai because there's a day-night time difference. I've been calling like 40 times a day and he was shooting a humongous massive film like Bhuj Pride of India with Ajay Devgan, Sanjay Dutt, Sonakshi and everyone. So it was like 500 people on the field. But like when din raat ko unko phone kar kar ke bother karta tha, he was calling the DOP Harry and like, you know, entire team was like following up. And of course, those actors, they're very established. 100 plus series ki hui hai Hollywood mein. There is a lot of people did more than 30 movies and everything. So sabka dates, CEO and amazing. The kid, special kid, like he did the CBS, jo waha ki channel hai America ki. Usme 5,000 kids ka interview karne ke baad, ye bache ko unhone pick up kiya tha for one of the series, American series. And because of being Indian, I got the benefit to get these parents from Hyderabad and he got on board. So it was a good experience. तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ काफ़ी गेस्ट मौजूद थे और उन्होंने मीडिया का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। ये मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी, तो देखते हैं जनता को मूवी कैसी लगती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे की तमाम प्रेस शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।